तो आपको बिल्कुल ना लगे कि मैं कोई जो रिव्यू देता हूँ वो गलत रिव्यू देता हूँ आपको। मैंने ये दो डिब्बियाँ दिखाई दी हैं जो कि मैं ले रहा हूँ, विच इज़ गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ। गिलोय घन पट्टी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी डेंगू शुरू होगा, तो उसके लिए कुछ नहीं पता भाई, कौन सा छोटा सा मच्छर आदमी को डेंगू दे जाए। तो उसके लिए मैं गिलोय लेता हूँ सुबह शाम। और जो मैंने आपको दूसरी दिखाई है मेंटेट, वो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, मेमोरी के लिए बहुत अच्छी है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं मेरे मेंटेट रिव्यू के और पतंजलि के गिलोय घनवटी के, तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो आज का दिन शुरू करते हैं और आज के दिन में बनाएंगे कुलचे छोले, क्योंकि क्योंकि बाहर का बंद किया हुआ है भाई कोरोना की वजह से। तो मन में फिर भी एक ज्वाला भटकी रहती है जिसे बुझाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए भाई आज घर में ही कुलचे छोले बनाएंगे, पंजाबी जो पंजाब में मिलते हैं कुलचे, जिन्हें आप कुलचा कहने आएंगे, ठीक है। सो वो चीज आज बनाएंगे और खाएंगे और रिव्यू देंगे, और इसके साथ ही जो पूरे दिन की रूटीन रहेगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज सैटरडे है और शाम है, और ये मैंने अपना शाम का खाया और फिर बनाकर आपको दिखाएंगे और खाएंगे, और इसी चलते इसी बहाने व्लॉग बन जाएगा। तो मिलते हैं। तो देख सकते हैं आप, कुलचे छोले घर पे बनाए जा रहे हैं, और ये मसाला, वहाँ कुलचे हैं, ये मसाला बनाया जा रहा है, छोले वही छोले आलू जो नॉर्मल होता है, और ये सेके जा रहे हैं देसी घी से। तो ये हैं भाई कुलचे, ये देखो यार इसकी कन्नी टूट गई, इसलिए ये मत समझिए कि खाया है मैंने, खाया नहीं। थोड़े ज़्यादा कहते हैं ना, मम्मी ने थोड़े ज़्यादा गर्म कर दिए देसी घी से, तो ख़राब नहीं हुई है, ठीक है, क्रिस्पी हो गया थोड़ा, मुझे कभी इशू नहीं होता। ये देखिए भरा हुआ कुलचा, ये देखिए सारा कुछ वही स्टफ्ड। तो भाई मेरे हाथ में है कुलचा, ठीक है, गर्म बहुत है इसलिए पहले थोड़ा कम खा के आपको टेस्ट पहुंचाता हूँ। हाँ, मज़ा आ गया। एक चीज़ की कमी मुझे लग रही है, वो आप कभी मत लगने दीजिएगा, वो है नींबू। जब मैं घर पहुंचा, मेरे याद आया कि यार नींबू तो लेना भूल गए, फिर मेरा मन ही नहीं किया कि दोबारा जाऊं। इसलिए आगे अगर कुलचा आप घर पे बना रहे हो तो नींबू इज़ मस्ट मस्ट मस्ट। जो ऊपर नींबू लगाकर फिर आप बाइट लेते हो ना घर के कुलचे की, वो मज़ा ही अलग होता है, बाहर का तो चलो पता ही है। एक चीज़ और है इसमें कि आप जो हरी मिर्चें होती हैं बाहर सैलड में मिलती हैं ना, वो भी आप तड़का लगाकर इसके साथ खा सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। मैं मिर्चें बहुत खाता हूँ, मुझे घर वाले सब यही बोलते हैं, मिट्ठू तोता, मैं मिर्ची बहुत खाता हूँ हरी, और विच इज़ गुड फॉर हेल्थ, लेकिन मैं ज़्यादा खाता हूँ, तो मैं सैलड वाली वो ज़्यादा खा रहा था। तो आज मेरा इसलिए मन नहीं किया, नहीं मैं पक्का वो उसको तल कर खाता। लेकिन आप एक बात समझिए, ये जो है स्टफिंग, देखिए मिर्चा मिर्चा, ये जो स्टफिंग है, इस स्टफिंग में मैंने दो तरह की है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। पहली तो इस सभी को मिलाकर ठंडा कुलचा जिसे हम कहते हैं, कि उसको बिना पैन पे गर्म करके खाना, और पहले मैंने वो टेस्ट किया, वो भी बहुत ज़्यादा मस्त था। और फिर इस पे सारा जो मसाला था उसको कढ़ाई पर थोड़ा घी लगाकर उसको फिर थोड़ा घुमा लिया और सब्जी को गर्म कर लिया, दोनों ही बेस्ट हैं। और मैं ये कहूँगा कि दोनों ही ट्राई करना, क्योंकि इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। जब आपने गर्म नहीं करनी, उससे पहले थोड़ा सा मसाला अलग निकाल लीजिए और ठंडा भी खाइए ब्रेड को गर्म करके, तो भाई मज़ा आ गया। हालांकि मैं मैदा बहुत कम खाता हूँ, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, मैदा से कम डाइजेस्ट होता है और मोटापा करता है, तो उसकी वजह से मैं मैदा बहुत ही कम खाता हूँ। लेकिन वंस इन अ वाइल तो कहूँगा नहीं, लेकिन खा लेता हूँ, अब इतना भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखता भाई। मैं कोई मोटा था, मैं वेट कम कर लिया, कोई मैं भगवान की कृपा से अभी तो सब डाइजेस्ट होता है यार, उम्र गया है तो मैं ये सोच लेता हूँ अभी उम्र गया है साला, हाँ हर चीज़ का ध्यान रखने की। लेकिन रखो, इतना भी मत रखो कि अपने आप को फील हो कि हम जिंदगी
पूरी अच्छे से जी नहीं रहे, लेकिन इतना भी मत कर दो कि बाद में आपको मोटापा और उसके बाद आपको डायबिटीज़ ऐसी कोई दिक्कतें आनी शुरू हो जाएं, तो मैं ये नहीं चाहूँगा बिल्कुल भी, तो लिमिट में बस। तो अब रात का समय है और रात में मैं टहल रहा हूँ। मैंने एक चीज़ अब की है कि जब मैंने जिम छोड़ दिया है लॉकडाउन के बाद से, और मैं अब जिम जाना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस चल रहा है, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता अपनी फैमिली के लिए भी, क्योंकि मेरे फैमिली में मॉम डैड दोनों मतलब लगभग डैड 60 साल के हैं, मम्मी भी इतने के करीब हैं 57-58 साल के। तो आई रियली डोंट वॉन्ट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क, क्योंकि आपको पता ही है जिम में पसीना निकलेगा, ठीक है, और कुछ नहीं पता कि कैसे भी कोई व्यक्ति आ जाए। और जो इतना टाइम मैंने कोरोना वायरस में अपना प्रिकॉशन रखा अपनी फैमिली के लिए, तो वहाँ जाकर मैं कोई दिक्कत खड़ी कर दूँ अपने घर वालों के लिए, तो आई रियली डोंट वॉन्ट दिस। तो उसी के चलते मैंने अब ये एक चीज़ निकाली है कि मैं रात को खाना खाने के बाद टहल लिया करूँगा। और आप मानोगे नहीं, पिछले 1 घंटे से मैं टहल रहा हूँ और 5-6 किलोमीटर मैंने टहल लिया होगा। दो चीज़ें हो जाती हैं, एक चीज़ यही हो जाती है कि चलिए खाना हज़म हो गया, और दूसरी चीज़ यही हो जाती है कि जैसे कहते हैं कि बॉडी की फिटनेस के लिए अगर आप वॉक करेंगे, क्योंकि वॉक एक ऐसी चीज़ है इसमें आपको कोई ज़्यादा ये फील भी नहीं होता कि आप पता नहीं कितना ज़्यादा वर्कआउट। तो आज का जो व्लॉग था, आज का व्लॉग कुछ खास नहीं था, मुझे भी पता है, लेकिन जो भी है मैं चाहता हूँ कि मैं एक तो रेगुलर रहूँ, और दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कुछ मैं करता हूँ कहीं ना कहीं उस वीडियो में आपको एक मैसेज लगे। तो उसी चीज़ के लिए मैं कोशिशें कर रहा हूँ, और आपको अगर कुछ अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो यार। मेरे YouTube के इस चैनल में जो कि 5 सब्सक्राइबर काफ़ी लंबे समय से हैं, ये बढ़ो यार आप। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे कुछ मतलब मेरी वीडियोस को देखकर एंटरटेन हों, और मैं भी चाहता हूँ कि अच्छी कंटेंट के साथ आपको कोई जानकारी देता रहूँ। हाँ, कोशिशें कर रहा हूँ, यूट्यूब पर व्लॉगिंग के तौर पर मैं नया हूँ, लेकिन हाँ मन में जो भाई बात है वो है, अगली वीडियो जो होगी वो यही होगी कि मैंने 10 किलो वेट इतने कम समय में 3 से 4 महीने में कैसे कम किया। अब ठंड आ रही है तो जो ये बियर्ड है, ये दाढ़ी है, अब ये बढ़ेगी, ठंड आ गई भाई, और मैं शेविंग कतई मुझे पसंद नहीं है ठंड में, तो आपको भी नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्पीकर विद जोशी। अगली वीडियो में कोई मज़ेदार बात के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए पीस आउट।